नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11S का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8 में 6.32 इंच जबकि Redmi Note 11S में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Realme 8 से कम है। विड्थ की बात करें तो Realme 8 में 2.91 इंच जबकि Redmi Note 11S में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8 में 0.31 इंच जबकि Redmi Note 11S में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8 में 177 ग्राम्स जबकि Redmi Note 11S में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 8 में सुपर AMOLED जबकि Redmi Note 11S में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8 में 6.4 इंचेस जबकि Redmi Note 11S में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8 में 83.32% जबकि Redmi Note 11S में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8 में 411 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11S में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11S की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 8 में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11S की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi Note 11S में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU की बात करें तो Realme 8 में Mali G76 MC4 जबकि Redmi Note 11S में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8 में MediaTek Helio G95 और Redmi Note 11S में MediaTek Helio G96 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 8 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 8 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Redmi Note 11S में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 8 में अप टू 256GB जबकि Redmi Note 11S में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme 8 में 2 कलर्स जबकि Redmi Note 11S में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Realme 8 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,725 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो Realme 8 में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11S की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 8 आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Infinix Hot 10 है, दूसरा Infinix Note 11 है, तीसरा Realme Nazo 50A है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco M4 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।